bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइन। दोस्तों, ममता बनर्जी को मनाने में सफल हुए प्रियंका गांधी। वायनाड में उपचुनाव में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेगी ममता बनर्जी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। जी हाँ, बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले सीट शेयरिंग और बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रवैये से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मनाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस जानती है कि पीएम मोदी की लीडरशिप वाली सरकार को अगर चुनौती देनी है तो ममता का साथ सबसे अहम होगा। ऐसे में ममता बनर्जी को मनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया गया और वायनाड से उपचुनाव के दौरान ममता बनर्जी प्रियंका के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने नाराज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से अनुरोध किया था कि वो वायनाड में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार करें। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस का यह ऑफर जो है वो स्वीकार कर लिया है और दिलचस्प बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि वो जो है वाराणसी से चुनाव लड़े। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम हैं, उन्होंने कोलकाता पहुंचे थे। यहां उन्होंने राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ बैठक भी किया था। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने ही गांधी परिवार की ओर से ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार करने के लिए मनाया। बताया जा रहा है कि ममता कांग्रेस से नाराज हैं और उन्होंने टीएमसी कांग्रेस गठबंधन की बातचीत टूटने के लिए विशेष रूप से राज्य पार्टी प्रमुख अधीर रंजन को जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी जीत मिली है। पार्टी ने 29 सीटें हासिल की है। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी कांग्रेस को छोड़कर विभिन्न मुद्दों पर उन्हें एक साथ लाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक सदस्यों से मिलने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों से संपर्क भी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात भी किया था। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से भी मिले थे और उद्धव ठाकरे से भी मिलने के लिए मुंबई गए हुए थे। खास बात यह है कि ममता बनर्जी जो हैं वो कांग्रेस से मुखर आलोचक रहे। अधीर रंजन चौधरी अपना रूप नरम करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उनके मतभेद पूरी तरह से राजनीतिक थे और व्यक्तिगत नहीं थे। अब जो है प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेंगी, तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके का माहौल बनता है और वायनाड से क्या प्रियंका गांधी जीत पाती हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बाकी आप लोग क्या लगता है बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।